मैं लाइन में स्पेस ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बहुत ही कम स्पेस रहेगा, यानी जिस हिसाब से मुझे लाइन्स चाहिए वो परफेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक हल्का सा पत्ता टर्न अप करूँगी, लेकिन हमारा जो भी पत्ता होता है ना वो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने किस तरह से उसको टर्न किया है? फिर उसके बाद मैं हल्के हाथ से एक ऊपर से लाइन ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट ऐड कर दूँगी, देखो इस तरह से। अभी मैं यही चीज़ को प्रेशर देते हुए मैं उस लाइन को ऊपर लेके जाऊँगी जो ये इस पत्ते की शेप ले लेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से फिर एक लाइन लूँगी, प्रेशर देते हुए ऊपर जाऊँगी और इस तरह से छोड़ दूँगी। सेम मैंने एक लाइन लिया और यहाँ पे एक डॉट क्रिएट किया, दिख रहा है? फिर उस हिसाब से यहाँ पे अब मुझे एन करना है, तो मैं एक छोटा सा पत्ता डाल दूँगी। ओके, ये हुआ, मैंने अपर पोर्शन बना लिया है। अब मेरे को नीचे का पोर्शन बनाना है, तो नीचे के पोर्शन में भी मैं थोड़ा उसी तरह से एडअप करूँगी कि एक पत्ता मैंने टर्न अप किया, अंदर की तरफ घुमाना है वो पत्ता। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन ली, लाइन के एंड पे मैंने डॉट ऐड किया, फिर मैं यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ गई प्रेशर देते हुए और मैंने ये पत्ता क्रिएट किया। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला थिक पत्ता है, फिर वापस से मैंने एक लाइन लिया, यहाँ पे डॉट ऐड किया, सेम मैंने यहाँ पे एक पत्ता लिया। ये हो गया एक एक डिज़ाइन, हमने ये एक फिंगर पे कवर कर लिया है। अभी हम करेंगे ये फिंगर पे। अभी मोस्टली डिज़ाइन अभी जो चल रही है वो कैसी होती है कि इसके ऊपर लगाना, यानी पत्तों को ऐड करके लगाना पसंद करते हैं। तो अभी मैं एक लाइन इस हिसाब से ले रही हूँ, थोड़ा सा टर्न अप किया है मैंने, एकदम ज़्यादा ओवर नहीं किया है। फिर मैंने यहाँ से प्रेशर देते हुए ये पत्ता जो गल्फी वेंस होता है ना वो बना रही हूँ मैं, जो बेसिक गल्फी पत्ते होते हैं। ओके, उसको थोड़ा बोल्ड रखना है, हमें एकदम भी पतले नहीं करना है, क्योंकि वो एकदम पतले होता है ना तो उसकी मतलब उसका कलर इतना प्यारा नहीं आता है जितना ये बोल्ड पत्तों का आता है। तो ये मैंने एक साइड कंप्लीट किया, फिर सेकेंड साइड। जैसे हमारी लाइन टर्न होती है ना वैसे हमारे पत्ते टर्न होने चाहिए। ओके, ये हो गया सेकेंड साइड। अभी यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ उतरेगी, सेम जैसे हमने ये एक लाइन ऊपर चढ़ाई है तो हम नीचे की तरफ दूसरी लाइन उतारेंगे। फिर ये पत्ते मैं पहले इस साइड के बना लूँगी, यानी कंफर्टेबल हमको जिस हिसाब से होता है ना उसी हिसाब से हमको करना है। ये नीचे का पत्ता थोड़ा सा बड़ा रखना है, फिर मैं इस साइड का कर लूँगी। ओके, ये हो गया एक पत्तों वाला। अभी मैं ये फिंगर पे आती हूँ, मिडल फिंगर पे। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे है ना पांच लाइन लूँगी, एक दो तीन चार और ये पांच। ये हमने पांच लाइन ले ली, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस मिडल में एक डॉट देना है, यानी मिडल की जो लाइन है उसमें हमें सिर्फ एक डॉट देना है। अभी मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर लूँगी। ओके, फिर इस स्ट्रेट लाइन में मैं सेम गल्फी वेंस के पत्ते जो है गल्फी बेसिक पत्ते वही बनाऊंगी। ये जो भी मैं बता रही हूँ ना फिंगर्स पे, ये बेसिक पैटर्न है, ये आप कोई भी डिज़ाइन में यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और लर्नर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया, फिर अब मुझे नीचे का पोर्शन जो करना है, मैं पहले एक बड़ी लाइन लूँगी, उसमें मैं यहाँ पे एक डॉट दे दूँगी, फिर उसके बाद उससे छोटी लाइन उसमें डॉट, फिर उससे छोटी लाइन उसमें डॉट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, जिस हिसाब से हमने वो साइड लाइन ली है उसी हिसाब से हमें ये साइड लेना है, देखो। ओके, ये हो गया।
अभी मैं ये फर्स्ट फिंगर कर रही हूँ। फर्स्ट फिंगर के लिए मैं थोड़ी लाइंस इस हिसाब से दूंगी, यानी थोड़ा ऊपर चढ़ेगी लाइन। एक, दो, तीन और ये चार। मैंने अभी यहाँ पे चार लाइन लिए। चार लाइन लेने के बाद में ये जो मिडल की लाइन है दो, उसे हमें फिल करना है। ओके, उसे अच्छी तरह से फिल कर देंगे कि वो पूरा स्पेस कवर कर ले। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कल बनाऊंगी और बीच का मिडल का जो डॉट होता है वो थोड़ा सा बोल्ड रहेगा। दो और ये तीन। ओके, ये होने के बाद में फिर यहाँ से मैं एक पत्ता थोड़ा सा नीचे झुका दूँगी, यानी वो जो सर्कल मेरा है उसके ऊपर। सेम वही चीज़ मैं ये साइड से भी करूँगी। फिर अब मुझे ये जो लाइन कंप्लीट करनी है, सेम मैं ये डॉट के डायरेक्शन में लूँगी। ओके, ये हो गया। अभी नीचे की साइड भी सेम। नीचे की साइड भी सेम होगा। फिर यहाँ पे ये एक, ये दो, ये तीन, सेम यहाँ पे भी ऐसे। तो देखो, ये हमने चार फिंगर्स किए आज। ये बेसिक फिंगर्स हैं जो आप लोग कहीं भी कोई भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। इसका कोई इशू नहीं होगा कि कोई भी डिज़ाइन में ऐड नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और